शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। शहर में कोरोना पॉजिटिव के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। माटे चौक से शुरू हुआ कोरोना का सफर आज शहर के अन्य जगहों पर भी पहुंच गया है, जैसे मोमिनपुरा, सतरंजीपुरा, पार्वती नगर, रामेश्वरी, पांडरापुरी शामिल है। शहर में बढ़ रहे कोरोना के केसेस देख मनपा ने सील किए सभी क्षेत्रों के लिए नई नियमावली जारी की है। इसमें इन क्षेत्रों में औषधि की दुकान छोड़ सभी दुकानें सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुली रहेगी, बाकी समय ये दुकानें बंद रहेंगी। आदेश दिए गए हैं, मगर शहर के जो क्षेत्र मनपा की ओर से सील नहीं किए गए वो दुकानें अपने नियमित समय पर ही चलेगी। इस बात की जानकारी मनपा के स्वास्थ्य सभापति वीरेंद्र कुकरेजा इन्होंने दी है। नमस्कार, आज 9 मई 2020 नागपुर शहर में कोरोना इस महामारी के 279 पॉजिटिव पेशेंट्स पाए गए हैं। महानगर पालिका ने एक नोटिफिकेशन निकाला जिसके आधार पर कंटेनमेंट जोन्स के अंदर की दुकानें सुबह 7 बजे से लेकर तो 1 बजे तक के खुली रहेंगी। इसका अर्थ ये है कि ये क्षेत्र के अंदर में जो एरिया सीज की हुई है, जैसे जरीपट का क्षेत्र में जो हमारा कुशीनगर क्षेत्र है उसका एक हिस्सा सीज किया है, तो वो क्षेत्र की दुकानें 7 बजे से लेकर 1 बजे तक के खुली रहेंगी। बाकी सारे क्षेत्र के अंदर में दुकानें जो नियमित रूप से जरीपट का है, आसपास का क्षेत्र है, मंगलवारी जोन है, बाकी क्षेत्र है, इन सभी जगहों पर दुकानें नियमित रूप से जो समय खोलने और बंद करने का है उसी समय में काम करने का है, वो दुकानें बंद नहीं रहेंगी। यह सिर्फ जो कंटेनमेंट एरिया है जिसको महानगर पालिका ने अलग से सील किया है, ये सब उसी के ऊपर की बातचीत है। मैं उम्मीद करूंगा कोरोना या महामारी इसके अंदर में सरकार द्वारा सुझाए गए जितने भी नियमावली बनती है क्षेत्र के सभी नागरिकगण उसको मान्य करेंगे, यही आपसे उम्मीद करता हूं। अपन सब मिलकर इस महामारी से लड़ेंगे, यही उम्मीद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।